मॉनसून अभी पूरे भारत में ठीक से पहुंचा भी नहीं है, लेकिन इसने अपना ट्रिगर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक कई राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुजरात के कई जिले इस वक्त बारिश से हुई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी लोग बारिश के बाद जमा हुए पानी से परेशान दिखे। आपको अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें दिखाते हैं जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कहीं बाजार में पानी ही पानी नजर आता है और पूरा बाजार पानी में डूब गया है, तो कहीं घरों में पानी घुस आया है, तो कहीं सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। बिहार में बाढ़ का नजारा है, पूरा बाजार पानी में डूबा नजर आया। तो मध्य प्रदेश के देवास में बारिश के बाद ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ गया, जबकि उत्तर प्रदेश के संभल में एक इलाका बारिश के बाद टापू बन गया है। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश के संभल और मथुरा में देखने को मिला। वहीं अमृतसर में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। और अब आपको दिखाते हैं मुरादाबाद जिले की तस्वीर, जहां पर भोलानाथ कॉलोनी टापू में तब्दील हो चुकी है। आलम यह है कि गलियों में नाव चल रही हैं और नाव के सहारे लोगों की जिंदगी देखते हैं। ऐसा पर ऐसा लगता है कि मानो पानी में शहर बसा हो। यह है यूपी का वैनिश शहर, जिला मुरादाबाद, भोलानाथ कॉलोनी। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुरादाबाद की ये कॉलोनी वैनिश बन गई है, यानी पानी में बसा हुआ शहर। यकीन नहीं होता तो देखिए, यहाँ की गलियों में नाव चल रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या कामकाजी लोग, मजदूर हों या किसान, नाव की सवारी के लिए सभी मजबूर हैं। भोलानाथ कॉलोनी की हर एक तस्वीर बताती है कि ये कॉलोनी टापू में तब्दील हो चुकी है। 6 फीट से ज्यादा पानी यहाँ घर कर चुका है, सभी घर इस पानी में समा चुकी हैं। लोगों की माने तो यहाँ हालात बेहद खराब है। सड़कों पर पानी है, मोहल्ले में पानी है, नाला टूट गया है, घरों में कीड़े मकौड़े घुस रहे हैं। पूरी स्थिति है, आप दिखाई दे रही है आपको, तो आ जा कैसे रहे? नाव से आ रहे हैं। और ये क्या है, तालाब है क्या है? ये जो पानी ढेर है, ढेर भरा हुआ है, पूरा नाले का नाला टूटा हुआ है, पूरा नाला टूट जाता है यहाँ से। तो सड़कों पे सब पे पानी आ गया, पूरी सड़कों पानी, पूरे मोहल्ले में पानी है। तो फिर कैसे निकल रहे हैं? जा रहे हैं, पानी मार रहे हैं, रात को ड्यूटी से आ रहे हैं, पानी मार रहे हैं। और नाव चली हुई है? नाव तो अब आई, कल से। उसके बाद से स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। इतने पानी मारना पड़ रहा है, हमें ड्यूटी से आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं 9-9 बजे, गेटों पर निकल के कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तमाम। लोग ऑफिस जाने के लिए, मेन रोड तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चों को हर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग तैयार होकर नाव पर बैठ रहे हैं और गलियों को पार कर रहे हैं। लोगों की माने तो यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ नाले से पानी बह रहा है, इस पानी में कोई भी डूब जाएगा। ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है पानी, डूब जाएगा इंसान। इतना इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। अच्छा, तो फिर आप कैसे जा रही हैं? सर अब नाव में जा रही हूँ, 3 दिन तक तो हम यहीं पे फंसे पड़े थे, अभी नाव आई है कल जाना परसों से बस। और उससे पहले हम ऐसी, मतलब ना कोई खाने को था घर पे, और बेचारे बुड्ढे हैं हमारे, तबीयत खराब है, वो ऐसे पड़े हैं ऊपर, बहुत दिक्कत पड़ रही है। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में, पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं अब, क्या देखो कैसे कर रहे हो? तो कहाँ का पानी आया? ये नाले का पानी आया सब, बारिश के बाद जितना बारिश का ना भरता, जितना नाले का भरा। आ जा कैसे रही है? नाव से जा रहे हैं, नाव से आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहां नाव उतार कर लोगों के जीवन को आसान करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की चीजें उन तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन तालाब में तब्दील इस कॉलोनी में इस संकट से अभी निजात मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पानी अभी बहुत ज्यादा है। काफी पानी है, डुबाव पानी है यहाँ पर। तो फिर नाव में कैसी, नाव में इन्हें घर पहुँचाना, इन्हें नाव में लेकर आना, छोड़ कर आना। तो सड़कों पर भी पानी बहुत, सड़कों में पानी हुआ पड़ा था, हमें पानी पानी हो रहा है। हम पानी पानी हो रहा है। तो फिर नाव, हम नाव लेकर आए हम लोग,
तो उससे निकालना है इन्हें, सब्जी वगैरह पहुँचा रहे हैं इनकी, इनकी जो भी राशन पानी सब नाव से पहुँचा रहे हैं, भीड़ लगे पड़े इनकी रिश्ता में लोगों की। ऐसा एक साल नहीं हर एक साल होता है, बारिश आती है और एक कॉलोनी टापू में तब्दील हो जाती है, फिर गलियों में इस तरह नाव चलती है और लोग मजबूर दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मैदान ही नहीं पहाड़ में भी सैलाब जैसा मंजर दिख रहा है। मानसून की मूसलाधार बारिश में देखिए कैसे सूखे पत्तों की तरह गाड़ियां बहने लगी। मानसून की पहली बारिश और हरिद्वार में गंगा के उफान में बहती इन गाड़ियों को देखिए। एक साथ कई गाड़ियां हरिद्वार के उफान के साथ ऐसे बह रही हैं जैसे नदी में तैरती नाव हो। अंदर तो नहीं जाएगी, ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई, वो भी हरकी पड़ी जाएगी, ये गाड़ी गई। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस तस्वीर में देखिए नदी की तेज धारा के साथ पत्ते की तरह ये कार कैसे बह रही है। आसपास मौजूद लोगों के लिए ये बहती कार किसी कौतूहल से कम नहीं है। एक के बाद एक कार इसी तरह गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। इस तस्वीर में देखिए एक कार पुल के पार दूर चली गई तो दूसरी कार बहती हुई फिर आ गई। गंगा की धारा में बहती ये कारें एक एक कर नदी में समा गईं। इस तस्वीर में चार पांच गाड़ियां एक साथ कागज की कश्ती की तरह बह रही है। नदी के किनारे खड़ी गाड़ियों को एक एक कर पानी बहा कर ले जा रहा है। दरअसल गंगा नदी में ये सैलाब खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में अचानक आए पानी के कारण से आया है। यहाँ सूखी नदी के रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ियाँ अचानक पानी आ जाने से गंगा में बहने लगी और फिर पानी में समा गई। फिलहाल सूखी नदी में आया उफान भी शांत हो गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसे स्थान पर गाड़ी ना खड़ी करने की लोगों से अपील की जा रही है। हरिद्वार में सूखी नदी से कई गाड़ियों के बह जाने का वीडियो ने पूरे लोगों को जो है हैरत में डाल दिया। मैं इस वक्त वहीं सूखी नदी पर मौजूद हूँ और इसी जगह पर सभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी जहाँ से बारिश आने के बाद बरसाती नदी उफान पर आ गई और यहाँ से सभी जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी खड़ी हुई थी वो सब यहाँ से पानी में बहने लगी। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो मेरी दाहिनी ओर जो हिस्सा है उस जगह से पहाड़ों से निकल कर यहाँ पर पानी आया और इसी जगह पर ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर शमशान घाट है और जो भी लोग शमशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं क्योंकि ये जो बरसाती नदी है ये साल भर इसमें पानी नहीं आता है सूखी नदी में। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से जैसे ही पानी बहता हुआ आया ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर बह गई और गंगा की इस धारा में चली गई। ये जो धारा सामने गंगा की नज़र आ रही है ये धारा हर की पैड़ी की तरफ भी जाती है तो यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि देर शाम प्रशासन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद गाड़ियों को पानी से बाहर निकाल लिया है। कुछ दो गाड़ियां जो है वो अभी भी पानी में फंसी हुई बताई जा रही हैं। ये सिर्फ बरसाती नदी के उफान पर आने के वजह से जो है ये गाड़ियां यहां पर बही थी और उसके अलावा किसी भी तरह के कोई भी खतरे की बात यहां पर नहीं है। लेकिन जब आप हरिद्वार आए तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें, किसी भी बरसाती नदी के आसपास गाड़ी को पार्क न करें। पहाड़ों में हो रही बारिश से अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में भी अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे गांधी घाट और ब्रह्म कपाल तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंचने लगा है। वहीं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में भी धौली नदी और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों में प्री मानसून को बरसे हुए लगभग 24 से 48 घंटे हुए हैं लेकिन नदियों का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस समय मैं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में मौजूद हूं और आप देखें किस तरीके से धीरे धीरे जो अलकनंदा नदी है और जो धौली नदी है उसका जल स्तर यहाँ पर बढ़ने लगा है और जो विष्णु प्रयाग का जो घाट है कुछ दिन बाद अगर तेज़ बारिश होगी तो ये पूरा ढक जाएगा
और कभी कभी जो पानी है जहाँ पर आप अभी तीर्थ यात्रियों को देख रहे हैं वहाँ तक ये पानी पहुँच जाता है। तो कई उत्तराखंड में अभी भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने खासकर चारधाम यात्रियों को ऐसे मौसम में अलर्ट रहने की अपील की है। कहा गया है कि ऐसे मौसम में जब भारी बारिश हो रही हो, चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि वो यात्रा करने से बचें। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। मॉनसून की बारिश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग हिस्सों में भी आफत बनकर बरसी है। गुजरात में बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार, कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आए। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ में समाया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा, यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आईं। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। डूब गया सकसोहरा बाजार, पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए।